एंड द सेकेंड थिंग विच आई ऑर्डर वॉज द सिंपल का ही माइसेलर वाटर एंड Hi you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is going to be all the products which I carry with me. इसमें स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप सब कुछ है एंड यही पाउच है जो मैं कैरी करती हूँ बिकॉज राइट नाउ आई एम इन माई होम टाउन राजस्थान एंड यहाँ पे 45 डिग्रीज है. यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी, यहाँ पे दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी, क्योंकि दिल्ली में तो फिर भी 38 to 40 डिग्रीज चल रहा है बट यहाँ पे 45 डिग्रीज है. एंड मैंने बस वीडियो स्टार्ट किया मुझे ऑलरेडी इतना पसीना आ चुका है बिकॉज मुझे फैन बंद करना पड़ा. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो बात करें इस बैग की तो मैंने ये लिया था मीशो से फॉर अराउंड आई थिंक 200 रुपीज एंड आई थिंक काफी ज्यादा स्पेशियस है, इसमें सब कुछ आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ फेवरेट कैटेगरी दैट इज स्किन केयर ऑब्वियसली. सो स्किन केयर में मेरा सिंपल फेस वॉश ये होना ही था एंड सैडली ये इतना ही बचा है. दिस इज माई थर्ड ट्यूब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये इतना सा ही बचा हुआ है. अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्योंकि ऑब्वियसली गाँव में डिलीवर नहीं होता है, यहाँ पर डिलीवर नहीं होता है बट देखा जाएगा. फिलहाल तो इतना बचा हुआ है एंड आई ऑल्सो हैव द एक्ने विन फेस वॉश बट वो दूसरे वाले घर में, इस वाले घर में नहीं है वो, मैं उसको साथ में नहीं लेके आ पाई. सो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड इज द ब्यूटी ऑफ जोसोन की क्लेंजिंग बाम. दिस इज द वन विच आई यूज लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मैं ब्लाइंस की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, उसको हटाने के लिए आई यूज़ दिस. बट अभी नायका की रिसेंटली हॉट पिंक सेल हुई थी तो मैंने उससे दो ही चीज़ें ली. एक तो मैंने सिंपल फेस वॉश का कॉम्बो लिया था जो 50% ऑफ पे था. आई थिंक दो फेस वॉशेस मुझे 50% ऑफ में मिल गए थे. कितने का है ये, 385 का एक है ना, तो आई थिंक 400 में मुझे दो फेस वॉशेस मिल गए थे. एंड द सेकेंड थिंग विच आई ऑर्डर वॉज दिस सिंपल का ही माइसेलर वाटर एंड ये मेरे आज पापा दिल्ली से हैं तो मेरे पापा ही लेके आए क्योंकि मैंने वो दिल्ली के एड्रेस पे ही ऑर्डर किया था, फेस वॉशेस वहीं पे पड़े. बस मैंने कहा था माइसेलर वाटर लेके आने को बिकॉज क्लेंजिंग बाम हर दिन यूज करना बहुत हेक्टिक लग रहा था ना, लाइक इट्स नॉट नीडेड एंड वो वेस्ट भी हो रही थी एंड बायोडोमा का मेरा ऑलरेडी खत्म हो गया था तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया. ये मेरे पापा आज सुबह ही लेके आए हैं, मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है. अभी रात होगी तब मैं इसको यूज़ करूँगी एंड पसीना बहुत ज़्यादा है. एंड मूविंग ऑन टू माई मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के लिए मैं मेरा फिजोजेल ही लाई हूँ बिकॉज मेरी स्किन अब कहीं से भी ऑयली नहीं है, लाइक थोड़ी थोड़ी ऑयली आई थिंक, बहुत थोड़ी बट काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो रखी है. तो यही फिजोजेल है जो मेरे फेस के लिए काम करता है. एंड टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन, सैडली मैं एक ही लेके आई, तो अब जब मेरे पापा वापस दिल्ली जाएंगे तो मैं पापा से दूसरी मंगाऊंगी. ये है ब्लाइंस की सनस्क्रीन, यानी खत्म होने वाली है, लाइक ये काफ़ी ज़्यादा कम बची है एंड ये काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गई है राजस्थान में आने के बाद. लाइक राजस्थान में आने के बाद इसका टेक्स्चर काफ़ी पतला हो गया है आई थिंक हीट की वजह से. सो यार सनस्क्रीन में है ये. एंड टॉकिंग अबाउट एक्टिव्स में मैं खाली दो ही चीज़ लेके आई हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट. या सो एक्टिव में मैं खाली यही दो ट्यूब्स लाई हूँ. वन इज बेंजोइल पेरोक्साइड जिसको मैं यूज़ करती हूँ व्हेन आई गेट एक्टिव एक्ने, जैसे ये एक एक्टिव एक्ने है एंड फिलहाल तो मुझे एक ही एक्टिव एक्ने है, बाकी सब तो मेरे रेड मार्क्स हैं. सो या बेंजोइल पेरोक्साइड फॉर माई एक्टिव एक्ने एंड दिस ग्लाइकोसिक्स क्रीम जिसको मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में एक बार, लाइक मोस्टली अपने माउथ वाले एरिया के अराउंड एंड एक दो मार्क्स पे भी. एंड अगर मैं किसी छोटे ट्रिप पे जाती हूँ तो मैं एक्टिव्स कभी नहीं लेके जाती हूँ बट सिंस अभी मुझे आई थिंक अराउंड 10 डेज हो गए हैं गांव में आए हुए और आई थिंक अभी हम और भी रहेंगे, अभी पता नहीं हम वापस कब जाएंगे दिल्ली. सो इसीलिए मैं दोनों एक्टिव्स भी लेके आ गई. एंड लास्टली स्किन केयर में है मेरे पास आई थिंक लिप बाम्स हैं एंड या तो आई क्रीम्स में मेरे पास दो आई क्रीम्स हैं. फर्स्ट इज द प्लम की वाइटामिन सी वाली जिसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लाइक दिस. एंड द सेकेंड वन इज दिस रेटिनॉल आई क्रीम फ्रॉम मिनिमलिस्ट, इसको मैंने रिसेंटली अपने हॉल में दिखाया था. तो इसको मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में 3 दिन, दैट इज मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे एंड जो बाकी दिन होते हैं उस दिन मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ. आई थिंक ये खत्म होने वाली, इसमें काफ़ी कम बची है. एंड लास्टली स्किन केयर में आई हैव दीज टू लिप बाम्स. दिस इज द विश केयर का, दिस इज द टिंटेड लिप बाम जिसको मैंने अभी अप्लाई भी कर रखा है. मैंने कुछ मेकअप नहीं किया बिकॉज इट्स टू हॉट वीडियो शूट करने के लिए भी, तो वही मैंने ये विश केयर वाला अप्लाई कर रखा है. दिस इज रियली गुड, लाइक काफ़ी अच्छा टिंट देता है प्लस इट हैज़ आई थिंक SPF 50 भी है. एंड देन लास्टली द इलाना वन जो मैं रात को यूज़ करती हूँ, ये भी काफ़ी मेल्ट हो गया है, लाइक इट्स टू हॉट ईयर. एंड या मैं दो और चीज़ें लाई हूँ, वन इज द FCL का D10 फेस मास्क एंड माई मीशा का एलोवेरा जेल. तो दोनों फ्रिज में है, फ्रिज घर के बाहर है,
मतलब घर के बाहर किचन है, किचन में एलोवेरा जेल रखा है, बाहर रखा है वो, इसलिए मैं उसको लेने नहीं जा रही हूँ। मेरा पसीने से बुरा हाल हो रहा है, इट्स सो हॉट। एंड वन लास्ट थिंग विच आई गॉट इज द कामिंग सीरम फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसोन, बट मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। मैंने सोची कि क्यों, यू नो, मे बी रिएक्शन कर जाए। एंड लास्टली द सिंपल का फेस वॉश, ये ट्रैवल साइज मैंने जानबूझ के मैं लेके आई कि अगर ये खत्म हो गया तो, बिकॉज ये खत्म होने ही वाला है। हेयर केयर, लाइक लुक एट द पसीना, ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन, यू नो, ग्लास स्किन है मेरी, बट इट्स द पसीना कैसे रिफ्लेक्ट मार रहा है मेरा फोरहेड, इतनी गर्मी है इधर। सो नाउ मूविंग ऑन टू हेयर केयर। सो शैम्पू में मैं लेके आई हूँ ये लव ब्यूटी एंड प्लैनेट के लैवेंडर वाले, दोनों ही ये शैम्पू हैं। लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड वाला भी है, बट वो मेरी मम्मी के पास है मेरे घर में, मतलब गाँव में दो घर हैं तो वो मम्मी के पास है उधर पे, क्योंकि मम्मी वो यूज़ करते हैं, तो मैंने अपने साथ ये दो रख लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। एंड कंडीशनर में मैं लाई हूँ रिक्विल वाला, एंड दिस वर्क सो गुड। मेरे बाल काफ़ी कम फ्रिजी हैं, मे बी बिकॉज यहाँ ह्यूमिडिटी उतनी नहीं है तो उस रीजन से भी हो सकता है, बट ये वाला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। एंड देन आई हैव दिस एक्टिव हेयर ग्रोथ सीरम फ्रॉम मिनिमलिस्ट, जिसको मैंने हॉल में दिखाया था, एंड इट्स बिन वन वीक सिंस आई बिन यूजिंग इट। मैंने इसको दो बार यूज़ कर लिया है अभी तक, इस बार मैं तीसरी बार यूज़ करूँगी। रिव्यू तो अभी ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लगेगा। सो या, एंड आई ऑल्सो हैव माई रोजमेरी ऑयल, उसको मैंने अभी फिलहाल के लिए रोक रखा है बिकॉज मुझे देखना है कि ये कैसा काम करता है हेयर फॉल कंट्रोल करने में, न्यू बेबी हेयर में भी कितनी हेल्प करता है। बट आई स्टिल हैव दिस वन, ये देव हर्ब्स का है, ये इतना सा ही बचा हुआ है, इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे उसका रिजल्ट देखना है। एंड आई थिंक या हेयर केयर में इतना ही है। नाउ मूविंग ऑन टू बॉडी केयर। बॉडी केयर में आई हैव द विश केयर का अंडर आर्म रोल ऑन सीरम, या सीरम ही है, मुझे लगा मैंने गलत बोल दिया। सो दिस इज ऑल्सो रियली गुड, बट आई थिंक मुझे केमिस्ट एट प्ले वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है, मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी। अभी तो फिलहाल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, विच आई डोंट एक्चुअली यूज़ उतना बिकॉज पता नहीं, मतलब मैं उतना बाहर जाती नहीं हूँ, धूप में सुबह तो जाती हूँ बट उसके बाद नहीं जाती हूँ, तो इसको मैं अपने नेक एंड ऑल वाले एरिया पे यूज़ कर लेती हूँ, ताकि ब्लाइंड्स वाले मैं अपने फेस पे यूज़ करूँ, एंड सो कम यूज़ करूँ बिकॉज वो खत्म होने वाली है, एंड ये भी खत्म होने ही वाली है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू दिस पोटली विच हैज़ ऑल ऑफ माई मेकअप का सामान। मेकअप में मैं ज़्यादा नहीं लाई, बट मैं बेसिक मेकअप लेके आ गई, यू नो, कहीं कुछ जाना पड़े तो। सो फर्स्ट वन इज दिस जेसन वू की, दिस इज़ दैट टिंटेड सीसी क्रीम, ये मैंने शेड नंबर 3 में ली है, बट सैडली दिस इज़ लिटिल लाइट फॉर मी, तो मैं मे बी देखते हैं अभी क्या करना है। मैंने ले तो ली, तो मैं इसको साथ में लेके आ गई हूँ। एंड नेक्स्ट इज़ दिस मस्कारा फ्रॉम मार्स, मैं एसेंस वाला यूज़ कर रही थी बट मैंने काफ़ी इसके रिव्यू सुने, सो आई गॉट दिस वन, लेट्स सी ये कैसा काम करता है। देन इज़ माई आईब्रो थिंग, अपने आईब्रोज करने के लिए जो मैंने नहीं किए हैं बिकॉज बहुत गर्मी है। लिपस्टिक में आई थिंक मैं 2-3 लेके आई हूँ जो मैं लाइक मोस्टली यूज़ करती हूँ। सो ये दो तो रॉम एंड एनडी वाली हैं, ये आई थिंक कुछ तो है, ये 0 वेलवेट वाली, एंड देन दिस इज़ द जूसी लास्टिंग वाली। सो ये दो हैं, एंड बाकी दो, वन इज़ द लिपी फ्रॉम मेबलिन, दिस इज़ सो गुड, लाइक इसको मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया, इनमें से एक को भी यूज़ नहीं किया मैंने, बस लेके आई हूँ। एंड द अदर वन इज़ दिस मेबलिन की सुपर स्टे वाली क्रेयॉन लिपस्टिक है ये, इसको भी मैंने उतना यूज़ नहीं किया है। एंड आई थिंक लास्टली बहुत रैंडम चीज़ें हैं इसमें, सो या आई थिंक वन माई फेवरेट ब्लश, लाइक लिप एंड चीक टिंट आप इसको बोल सकते हैं, तो ये भी है। एंड लास्टली इज़ दिस स्विस ब्यूटी का फिक्सिंग स्प्रे, आई थिंक मैं इतना बेसिक मेकअप ही लाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाई। एंड लास्टली टू रैंडम थिंग्स जो मैं दिखाना भूल गई, जो मेरे हेयर केयर का ही पार्ट था। सो द फर्स्ट वन इज़ द कोम, दिस इज़ क्योर्स का नीम कोम, दिस इज़ द वन विच आई यूज़, दिस इज़ द वन विच आई ऑलवेज यूज़, लुक एट द पसीना, इट्स क्रेजी। एंड दिस हेड मसाजर, हेयर मसाजर, जो भी आप इसको बोलो, ये मुझे कल्ट के ऑर्डर के साथ फ्री मिला था, तो मैं इसको साथ में लेके आ गई, तो देखते हैं कैसा काम करता है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, लेट मी नो कि आप अपने साथ क्या क्या कैरी करते हो। अगर मैं एक ही हफ्ते के लिए आ रही होती तो ट्रस्ट में मैं इतना सब कुछ नहीं लेके आती, मैं अपने बाल भी नहीं धोती इधर, मैं सीधा घर जाके धो लेती या बिना शैम्पू से अपने बाल धो लेती। बट सिंस हम लोग लाइक काफ़ी टाइम यहाँ रहेंगे, तो इसीलिए मैं कुछ लेके आ गई, मतलब इतना कुछ मैं लेके आई हूँ। एंड क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए भी मैं साथ में लेके आ गई। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड स्टे हाइड्रेटेड, उतना ज़्यादा धूप में मत जाना, काफ़ी लोग को हीट स्ट्रोक भी हो रहा है क्योंकि वो सडनली एसी में से निकल के धूप में जा रहे हैं, तो डोंट डू दैट। थोड़ा बीच में, यू नो,
लाइक बीच के टेम्परेचर में भी आना, सीधा एकदम 20 डिग्रीज से 45 डिग्रीज में मत चले जाना, नहीं तो आप भी बीमार पड़ सकते हो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इफ आई एम अलाइव, क्योंकि इतनी गर्मी है मुझे लग रहा है मैं मर ही जाऊंगी. बाय.